जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम जानेंगे कि नीलम की ऐसी क्या खास बात है जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिली होगी, कहीं भी पढ़ने को नहीं मिली होगी और कहीं भी सुनने को नहीं मिली होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों वैसे तो अधिकतर विद्वान नीलम को शनि ग्रह का रत्न मानते हैं। शनि ग्रह की जो पोजीशन कुंडली में होती है उसके अनुसार हमें नीलम धारण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ऐसी खास बात बताता हूँ नीलम के बारे में जो आपको कहीं भी सुनने को या पढ़ने को नहीं मिली होगी। दोस्तों कुंडली का विश्लेषण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि शनि की पोजीशन क्या है और उसके बाद ही हमें नीलम का चुनाव करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमें कुंडली में राहु की पोजीशन का भी ध्यान रखना चाहिए। अब राहु की पोजीशन का ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि जो राहु होता है वो शनि के समान ही व्यवहार करता है। कुंडली में यदि राहु की पोजीशन भी अच्छी हो और शनि की पोजीशन भी अच्छी हो तभी हमें नीलम पहनना चाहिए, अन्यथा हमें नीलम धारण नहीं करना चाहिए। राहु जो होता है वो शनि के हिसाब से कुंडली में फल देता है, लेकिन अगर राहु 6-8-12 में अगर है या फिर शनि 6-8-12 में है तो हमें नीलम नहीं पहनना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो राहु का जो रंग होता है वो भी नीला डार्क ब्लू होता है, और राहु की अगर प्लेसमेंट अगर कुंडली में ख़राब है, शनि की भले ही अच्छी है पर अगर राहु की प्लेसमेंट ख़राब है तो राहु का भी इफेक्ट कुंडली पर देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर नीलम अपना असर दिखा देता है। इसलिए कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाकर महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इसके बाद में नीलम का चुनाव करना चाहिए। शनि की पोजीशन के साथ में राहु की पोजीशन भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।